नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है होंडा शाइन 125 सीसी में और होंडा एसपी 125 सीसी में, दोनों ही गाड़ियां दोस्तों कमाल की हैं और मार्केट में अपना पैर जमा चुकी हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है यार। हम जब गाड़ी लेने की सोच रहे होते हैं ना, इन दोनों गाड़ियों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो में हम कन्फ्यूज़न भी दूर करेंगे, मेरे हिसाब से कौन सी बेस्ट होती है गाड़ी, और ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे। ऑन रोड प्राइस जानने से पहले ये जानो, ये गाड़ी जो है दो वेरियंट में आती है। देखिए, एक ड्रम वेरियंट में आती है और डिस्क वेरियंट में। तो मेरे सामने जो दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये ड्रम वेरियंट में खड़ी हैं। देखिए, ड्रम ब्रेक हैं आगे इसमें, और दोनों ही गाड़ियों में डिस्क ब्रेक में भी आता है। तो सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करेंगे। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आर एस होंडा मैरिस रोड पे शोरूम पड़ता है या होंडा का। तो यहाँ पर होंडा का कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया है। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ये शाइन 125 सीसी ड्रम ब्रेक में जो खड़ी है वो 94,256 रुपये की पड़ेगी। ऑन रोड आपको ये अलीगढ़ के प्राइस हैं दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट के प्राइस अलग होते हैं। और इसी का डिस्क वेरिएंट अगर आपको ख़रीदना है, वो पड़ेगा आपको 98,771 रुपये का, राइट। अगर एसपी 125 आप ड्रम ब्रेक में लोगे तो 103,142 रुपये की पड़ेगी। और वही अगर एसपी आपके डिस्क ब्रेक में आपको लेनी है तो वो 107,618 रुपये की पड़ेगी। ये ऑन रोड प्राइस हैं दोस्तों, अलीगढ़ के प्राइस हैं। प्राइस डिफर होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अब मैं बताऊं मेरे हिसाब से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ज़माने के साथ हमें चलना चाहिए। तो मुझे एसपी 125 में, अगर मैं लेता तो एसपी 125 में जाता, 8,000 रुपये का दोनों ही गाड़ियों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 8,000 रुपये में ज़्यादा डाल के थोड़ा माइलेज ज़्यादा ले लेता। डिजिटल मीटर कंसोल मुझे देखने को मिल जाएगा और एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाएगी और दोस्तों लुक देखने को मिल जाएगा। तो मैं एसपी 125 के साथ जाता अगर मैं लेता तो। बाकी अगर आपको शाइन 125 सीसी अच्छी लगती है तो आप इसमें भी जा सकते हो। इसमें भी कोई मतलब बुराई नहीं है, अच्छी गाड़ी है, फैमिली की बाइक है, बस थोड़ा सा सिंपल गाड़ी हो जाती है। इसमें हैलोजन में हेडलाइट और मीटर कंसोल आपको आपका एनालॉग में देखने को मिलता है, ये डिजिटल देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है। और मैं कहें गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल की तरफ दोस्तों, गाड़ी में इसमें शाइन में आपको क्रोम का वर्क मिलेगा, हेडलाइट में चौड़ी सी हेडलाइट देखने को मिलेगी, पर हैलोजन में देखने को मिलेगी, इंडिकेटर भी हैलोजन में देखने को मिलेंगे, राइट। ये देखिए, वहीं इसकी मैं बात करूं तो एलईडी में इसकी हेडलाइट देखने को मिलेगी और इंडिकेटर भी हैलोजन में देखने को मिलेगा। पर इसमें नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हैं और इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हैं। वहीं अगर दोनों ही गाड़ियों के गियर पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों, 5 गियर गाड़ी में देखने को मिलेंगे, 1 डाउन 4 अप, और पैटर्न जो है कोई स्पोर्टी लुक नहीं है। आप एडी से भी डाल सकते हो गियर और पंजे से भी डाल सकते हो, राइट। और साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन की बात करूं, दोनों ही गाड़ियों में सस्पेंशन आपके टेलीस्कोपिक देखने को मिलेंगे और पीछे हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़र्क है, एसपी 125 में आपको रेड कलर के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं इस टाइप के, और शाइन में आपको ब्लैक कलर के इस टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं टायर की बात करूँ, दोनों ही गाड़ियों में आपको अलॉयल्स ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। शाइन के जो टायर साइज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, आगे वाला टायर है 80x100, पीछे वाले भी 80x100 देखने को मिलेगा, 18 इंच के व्हील साइज के साथ, 18 इंच के व्हील साइज के साथ। वहीं अगर एसपी के टायर की बात करूं तो आगे वाला 80x100 और पीछे वाला आपको 100x80, यानी कि थोड़ा सा पीछे वाला टायर आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ से समझो, देखिए आप यहाँ से समझेंगे, जो एसपी है उसका टायर चौड़ा है और जो शाइन है उसका टायर थोड़ा सा पतला देखने को मिलेगा आपको। एग्जॉस्ट दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलेगा। ये देखिए जो साइलेंसर है, ये देखिए साइलेंसर पास से देखिए, दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं सीट की बात करूँ, ऐसे समझिए सीट, देखिए ऑलमोस्ट दोनों ही गाड़ियों के सीट बराबर ही देखने को मिलेगी और कंफर्टेबल ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे दोनों ही गाड़ियों में। पर जो एसपी वाला ग्रैब हैंडल है थोड़ा सा कटिंग वाला देखने को मिलेगा, ये सिंपल वाला देखने को मिलेगा। सीट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है और सीट हाइट जो है दोस्तों वो आपको, ये जो शाइन है वो आपको 791 mm की देखने को मिलेगी और इसकी 790 mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी एसपी 125 की। कर्व वेट की बात करूँ तो शाइन का कर्व वेट 114 किलो का और इसका 117 किलो का कर्व वेट देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों एसपी 125 का 160 mm का और इसका मिलेगा 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस में ये थोड़ी सी ज़्यादा, ये कम हो जाती है, और वेट में ये ज़्यादा हो जाती है, ये कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में जो साड़ी गार्ड है और चेन कवर है वो आपको, चेन कवर तो ढका हुआ देखने को मिलेगा आपकी शाइन 125 में भी और
SP125 में भी देखो चेन कवर ढका हुआ है, और आपका साड़ी गार्ड जो है इसी पैटर्न का देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्लास्टिक लगा हुआ है इस टाइप का देखने को मिलेगा, राइट। और वहीं फूट रेस्ट की बात करूँ तो आगे वाले जो फूट रेस्ट हैं आपको फोल्डेबल देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही शाइन में, ना ही 125 में। पीछे वाले फूट रेस्ट आपको फोल्डेबल देखने को मिलेंगे, फोल्ड कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप देखो सबसे पहले तो आप समझो लुक, इसका लुक थोड़ा सा मतलब फैमिली बाइक टाइप का हो जाता है, यानी कि सिंपल है, ये थोड़ी सी कटिंग वाली बाइक लगती है, राइट। देख रहे हो आप थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आ जाता है, ये लुक का भी फर्क हो जाता है। जिस तरह से मैं टैंक दिखाऊँ आपको पास से, देखिए राउंड शेप में इसका टैंक है, इसमें कोई भी काउल में वर्क नहीं किया गया है, ये देख सकते हैं आप, देखिए। पर इसके टैंक की तरफ मैं जाऊँगा तो इसके टैंक को देखिए आप, ये काउल पे होंडा लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्क किया गया है, साइड में भी वर्क किया गया है, थोड़ी सी स्टिकरिंग भी हाई लेवल की कर दी है। और छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, देखिए बार हैंड भी दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर SP125 में, लेकिन शाइन में आपको बार हैंड देखने को नहीं मिलेंगी। यानी कि कहने का मतलब, अगर आपको एक फैमिली बाइक चाहिए और आप फैमिली मैन हो और आपका ऑफिस का काम है इधर से उधर जाने का, तो आपके लिए ये परफेक्ट हो जाती है। और अगर आपको थोड़ा सा स्टाइल दिखाना है और SP125 में जा सकते हो स्टाइल दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पोर्टी लुक हो जाता है। और क्या डिफरेंस हो जाता है, देखिए इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको एनालॉग में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, इंडिकेटर का, हाई बीम लो बीम का, फ्यूल गेज का, न्यूट्रल का, और यहाँ पर साइड स्टैंड का और चेक इंजन लाइट का, ये इंडिकेशंस आपको इस गाड़ी में शाइन 125 में देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा है ना शाइन, तो ये सारी चीज़ें। चाबी दोनों ही गाड़ियों की सेम देखने को मिलेगी, चाबी में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, राइट। वहीं स्विचेस की बात करें तो स्विचेस भी दोनों ही गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे, स्विच कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखिए, ये आपको इंजन किल स्विच, सेल्फ स्विच, ये आपका इंडिकेटर का, हॉर्न का, और हाई बीम लो बीम और पासिंग का स्विच इधर की तरफ दिया गया है। और जो आपका हैंडल है इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ, उसका थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन हो जाता है। और वहीं अभी SP125 की बात करूं तो दोस्तों SP125 में आपको पूरी तरह से डिजिटली मीटर कंसोल देखने को मिलता है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप्स और माइलेज, डिस्टेंस टू MPT, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो सब वार्निंग लाइट, जैसे आपका साइड स्टैंड का रिमाइंडर हो गया, माल फंक्शन का, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर, ये सारी रिमाइंडर्स इस वाले मीटर कंसोल में आपको देखने को मिलते हैं। स्विचेस तो सेम ही दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। इंजन किल स्विच सेल्फ, बस थोड़ा सा जो बार हैंड है वो थोड़ा सा इस टाइप का देखने को मिलता है, और जो थॉटर है थोड़ा सा स्टाइलिश देखने को मिल जाता है। ये इंडिकेटर, ये हॉर्न, और हाई बीम लो बीम और पासिंग के स्विच में तो सेम कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, राइट। और यहाँ पर थोड़ा सा जो हैंडल है थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। टैंक कैपेसिटी के जो फ्यूल जो कैपेसिटी है उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो शाइन है उसमें आपको 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, जो आपकी SP है उसमें 11.2 की आपकी कैपेसिटी मिलेगा। जो SP125 CC है वो आपको ज़्यादा माइलेज देती है, और जो शाइन है वो आपको थोड़ा सा इससे कम देती है, ये 65-70 तक इसका माइलेज चला जाता है, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति लीटर, और इसका माइलेज वही 55 तक जाता है, राइट। जो और हैं दोनों 125 CC, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का फ़र्क होता है, हवा जो कटती है उसका फ़र्क होता है, इसलिए माइलेज इसका थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इंजन परफॉर्मेंस की अगर मैं दोनों ही गाड़ियों की बात करूँ तो देखो दोनों ही गाड़ी सेल्फ और दोनों ही गाड़ी किक से स्टार्ट होंगी, दोनों ही गाड़ियों में किक देखने को मिलेगी। ये देखिए, अगर मैं इंजन की बात करूं तो दोस्तों शाइन में जो इंजन आपको देखने को मिलेगा वही 125 तो आपका लिखा हुआ है, जो BHP है वो 10.59 की BHP शाइन की, यानी कि इसकी BHP कम मिलेगी, और इसकी ज़्यादा है 10.72 BHP, और RPM दोनों ही सेम उठाएंगे 7,500 RPM में। टॉर्क दोस्तों इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसमें आपको 11 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा शाइन 125 में, और आपका SP में 10.9 Nm का टॉर्क इस वाली SP 125 में आपको देखने को मिलेगा। बैक प्रोफाइल दोनों ही गाड़ियों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगी, इंडिकेटर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। बैक में आपको हेलोजन में बैक लाइट देखने को मिलेगी, और इंडिकेटर्स आप देख सकते हो इस टाइप के आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे, राइट।